हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जोसेफ एडिसन को स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक इनका एक एसे है, मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी, जिसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। हार्डवर्ड्स को भी देखेंगे। हार्डवर्ड्स को देखते हुए साथ के साथ हम आपको इस एसे के बारे में भी बताने वाले हैं। यानी सबसे पहले हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबे जो है, फर्स्ट पब्लिश इन द पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर पीरियोडिकल जो था ना, उसमें फर्स्ट पब्लिश हुआ था। और इसका जो ईयर है वो है 1712, डेट है 27 सितंबर। तो ये चीज आप याद रखेंगे, 27 सितंबर 1712 को द स्पेक्टेटर के अंदर फर्स्ट पब्लिश हुआ था मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पीरियोडिकल क्या है। देखिए, पीरियोडिकल का मतलब क्या है, एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर आते हैं वो डेली पब्लिश होते हैं, है ना, डेली पब्लिश होते हैं ना। उसी तरीके से कुछ मैगजीन्स होती हैं जो फोर्टनाइटली पब्लिश होती हैं, यानी 15 डेज में एक बार, कुछ मंथली होती हैं, उसी तरह से कुछ होती हैं ईयरली होती है ना। तो इस तरह इनको कहते हैं पीरियोडिकल, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर था। तो स्पेक्टेटर की हम बात करें तो स्पेक्टेटर क्या था, स्पेक्टेटर ना एक पत्रिका जिसे कहते हैं ना, वो थी, वो डेली पब्लिश होती थी, डेली। तो ये याद करना, आप बारीक चीज है बता रही हूँ मैं आपको, डेली पब्लिश होती थी द स्पेक्टेटर। और द स्पेक्टेटर जो है ना वो फेमस थी किस चीज के लिए, इसके जो एसेज थे, इसके अंदर जो एसेज छपते थे वो ऐसे कॉन्टेम्प्रेरी मैनर्स पर बेस्ड थे। कॉन्टेम्प्रेरी जो मैनर्स, यानी उस समय में जब जोसेफ एडिसन थे, रिचर्ड स्टिल थे, उस टाइम के जो कॉन्टेम्प्रेरी मैनर्स थे, जो मोरल्स थे, जो सोशल इश्यूज थे, उनके ऊपर उसके अंदर एसेज छपा करते थे। जोसेफ एडिसन के लिए तो ये मानो कि ये जो द स्पेक्टेटर था ना, ये एक सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म था राइटिंग्स का। यानी बहुत सारे एसेज जो है इनके छपे हैं द स्पेक्टेटर के अंदर, ठीक है, ये हम मेंशन कर ही चुके हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन आई एम इन ए सीरियस ह्यूमर, आई एम मीन्स राइटर हिमसेल्फ, जोसेफ एडिसन की बात हो रही है यहाँ पे। जोसेफ एडिसन कहते हैं कि जब मैं गंभीर मूड में होता हूँ, ह्यूमर का मतलब वैसे मजाक होता है, सीरियस का मतलब गंभीर होता है, दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्ट है ना। अगर यहाँ पे आप एक तरह से किसी लिटरेरी डिवाइस की अगर बात करें तो यहाँ कंट्रास्ट यूज हुआ, सीरियस एंड ह्यूमर, बट हम क्या कहेंगे, सीरियस मूड। तो जहाँ वो कह रहा है कि जब मैं किसी सीरियस मूड में होता था ना, कभी मैं जब अक्सर अकेला होता था, सीरियस मूड में होता, तो मैं क्या करता था, आई वेरी ऑफन वॉक बाय माई सेल्फ इन वेस्टमिंस्टर एबे। तो मैं अक्सर अकेले वेस्टमिंस्टर एबे में टहला करता हूँ, यानी जाया करता हूँ। वेयर द ग्लूमीनेस ऑफ द प्लेस, जहाँ पर उस जगह की उदासी, ग्लूमीनेस यानी उदासी, डार्कनेस और सैडनेस यू कैन से। एंड द वेस्टमिंस्टर एबे क्या है, एक फेमस चर्च है लंदन के अंदर। और ये वर्ड ना, ये पहले भी मैंने आपको समझाया है, और अपने इस चैनल पर अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो आपने जरूर सुना होगा वेस्टमिंस्टर एबे का नाम। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमने ऐसा कौन सा टॉपिक किया था जिसके अंदर इसका जिक्र हुआ था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि जब मैं वहां पर ऑफन जाता हूँ, वॉक करता हूँ, तो उस जगह की जो ग्लूमीनेस है, उदासी जो है, एंड द यूज टू विच इट इज अप्लाइड, और उस वहां जो वो बिल्डिंग जो बनी हुई है, जो भी वहां पर यूज हुआ है, विद द सोलेमनिटी ऑफ द बिल्डिंग एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल, और जो लोग वहां पर हैं, वहां बरी हैं, बरीड का मतलब होता है वहां दफनाए गए हैं, जो लेटे हुए हैं वहां पर, आर एप्ट अप्रोप्रिएट है टू फिल द माइंड विद अ काइंड ऑफ मेलंकली और रादर थॉटफुलनेस दैट इज नॉट डिसएग्रीबल। यानी मेरे माइंड के अंदर उदासी लाने के लिए काफी है। यानी जब मैं उस जगह पर जाता हूँ, अब समझ लीजिए, आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप कोई ऐसी जगह पर गए हैं जो ग्रेवयार्ड है, यानी जहां पर मरे हुए लोगों को दफनाया गया है, तो आप वहां की जो बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर जो कब्र बनी हुई है, उनको देखकर आपके मन में क्या आएगी, उदासी आएगी ना। तो इसी तरीके से राइटर कहता है कि जब भी मैं सीरियस मूड में होता हूँ, यूजुअली वहां जाया करता हूँ, और जब मैं वहां जाता हूँ तो उस जगह की जो उदासी है, वो वहां की जो बिल्डिंग है, जिस तरह से वो बनी हुई है, जो सीरियसनेस है उस बिल्डिंग के अंदर, वो मेरे माइंड के अंदर मेलंकली भर देती है, उदासी भर देती है। यानी अप्रोप्रिएट है वो चीजें मेरे माइंड में मेलंकली भरने के लिए, और रादर थॉटफुलनेस। लेकिन ये कह सकते हो आप, उदासी तो आती है लेकिन साथ में क्या आ जाती है, थॉटफुलनेस, यानी विचारशीलता आ जाती है, यानी मैं विचारों से भर जाता हूँ, दैट इज नॉट डिसएग्रीबल। जिसको आप ये नहीं कह सकते, डिसएग्रीबल नहीं कह सकते, डिसएग्रीबल का मतलब होता है कि मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती या मेरे लिए अप्रिय है,
मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं विचारों से भर जाता हूँ. आई यस्टरडे पास्ड अ होल आफ्टरनून इन द चर्च यार्ड. यस्टरडे यानी जो दिन बीत गया, जो उसके लिए बात कर रहा है कि कल जो बीत गया वहाँ मैंने एक पूरी दोपहर गुजारी. कहाँ पे? चर्च यार्ड में, द क्लॉस्टर. क्लॉस्टर ऐसे ही इस तरह की जगह होती है, मतलब एक कवर्ड जो है वो एरिया होता है. कहाँ पर? जैसे चर्च के अंदर, मोनेस्ट्री के अंदर एक ऐसी जगह होती है, कवर्ड है, वॉकवेज होती है, जो उसकी बात कर रहा है कि मैंने कल पूरी की पूरी दोपहर चर्च यार्ड में, क्लास्टर में, और ये कहिए कि चर्च के अंदर बिताया, कि चर्च के आंगन में, चर्च में और क्लास्टर में बिताया. अम्यूजिंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एंटरटेन किया यहाँ पे, यानी मैंने पूरा दिन यहाँ बिताया. विद अ टॉमस्टोन, टॉमस्टोन्स देखे, इंस्क्रिप्शंस, उनका उनके ऊपर लिखे हुए जो लेख थे उनको देखा. दैट आई मेट विद इन दो सेवरल रीजंस ऑफ द डेड, यानी वहाँ पर जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन लोगों की वहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं, उन लोगों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उन्हें पढ़ता हो रहा और अपने आप को एंटरटेन करता रहा. आगे बढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ देम रिकॉर्डेड नथिंग एल्स ऑफ द बरिड पर्सन बट दैट ही वॉज बोर्न अपॉन वन डे एंड डाइड अपॉन अनदर, द होल हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ बींग कम्प्रीहेंडेड इन दोज टू सर्कमस्टांसेस दैट आर कॉमन टू ऑल मैनकाइंड. ये कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग दफन थे ना, जो बरिड पीपल थे, उनके बारे में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि कब वो जन्मे और कब एक दिन वो मर गए, यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ ही मेंशन थी. ठीक है, तो क्या एक इंसान के लिए डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ काफी है उसके बारे में पता लगाने के लिए? क्या ये दो सर्कमस्टांसेस ही कॉमन है क्या मैनकाइंड के लिए? सिर्फ ये दो चीज ही मेजोरिटी ऑफ जो पीपल थे उनके बारे में लिखी हुई थी, मोस्ट ऑफ देम के बारे में रिकॉर्डेड थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. आई कुड नॉट बट लुक अपॉन दीज रजिस्टर्स, कि मैंने वहां पर क्या किया? आई कुड नॉट बट लुक अपॉन दीज रजिस्टर्स, यानी मैंने जब वो रजिस्टर्स देखे ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता होगा शायद, जिनको दफनाया जाता है उनके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता होगा. तो कह रहे कि मैंने जब वो रिकॉर्ड देखा ना, वेदर ऑफ ब्रास और मार्बल. रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पर जैसे जिनको दफनाया जाता था उनके या तो पत्थर के मकबरे बना दिए जाते या फिर ब्रास के, यानी थोड़ा सा कुछ अच्छा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई बंदा अगर वहाँ दफनाया गया है तो किसी ब्रास व्रास से बना दिया गया, डेकोरेटेड कर दिया गया, और कोई नॉर्मल अगर है कोई तो मार्बल से बना दिया गया. तो कह रहे कि मैंने दोनों तरह के देखे, ब्रास के भी थे, मार्बल भी थे, एज ए काइंड ऑफ सटायर. बट मेरे माइंड के अंदर ना एक सटायर ही आया, बस खाली व्यंग ही आया अपॉन द डिपार्टेड पर्सन, वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं उन लोगों के ऊपर सिर्फ एक ना सटायर सा करने का मेरा मन किया, क्योंकि हु हैड लेफ्ट नो अदर मेमोरियल ऑफ दैम बट दैट दे वर बोर्न एंड दैट दे डाइड. कि क्या उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा कि उनको याद किया जा सके सिर्फ इसके कि वो एक दिन जन्मे थे और एक दिन वो मर गए. तो कह रहे मेरे माइंड में ना एक सटायर आया बस खाली ये चीज़ देखकर. तो देखिए क्या हुआ, दे पुट मी इन माइंड कौन, वो जो उससे देखे ना वहाँ पे ग्रेवयार्ड्स जो देखी उनके बारे में बात करेंगे. दे पुट मी इन माइंड ऑफ सेवरल पर्सन्स मैंशनड इन द बैटल्स ऑफ हीरोइक पोएम्स, कि मैंने बहुत सारे हीरोइक पोएम्स पढ़ी हैं और उसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोग मेंशन होते हैं जो युद्ध लड़े, और शायद उनको इसलिए नाम दिया गया और ऐसा नाम दिया गया कि ऐसा लगे कि उनको यहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस पोएम में, कि उनको इस पोएम के अंदर क्या दिखाया जाएगा कि दे मे बी किल्ड, कि वो मर जाएंगे. एंड दे सेलिब्रेटेड फॉर नथिंग बट बींग नॉकड ऑन द हेड, कि वो सिर्फ इसलिए उसके अंदर दिखाए गए हैं कि उन्हें मारा जा सके, यानी पोएम के अंदर कहीं ना कहीं मेंशन कर देंगे कि वो मर गया, और सिर्फ इसलिए वो मर गया, मतलब इसलिए उनको उनका नाम लिया गया है क्योंकि कहीं उनके सिर पे चोट लग गई थी और वो मारे गए. समझ रहे, यानी एक मजाक सा बना रहा है कि मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ ना जो यहाँ पर दफनाए गए हैं और उनकी ग्रेवयार्ड के ऊपर सिर्फ उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मेंशन है, तो मेरे माइंड के अंदर एक सटायर आ जाता है. मैं ऐसी एक चीज़ को याद करने लगता हूँ जैसे मैंने पोएम्स में पढ़ा है कि कुछ लोगों के नाम मेंशन किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं ये बता दिया जाएगा कि वो मारे जाएंगे इस पोएम के अंदर ही. द लाइफ ऑफ दीज मैन इज फाइनली डिस्क्राइब्ड इन हॉलेरेट, कि ये जो लोग होते हैं इस तरीके के, ऐसे लोगों का जो नाम है वो एकदम ऐसे लगता है जैसे कि कोई होली बुक जो होती है उसके अंदर लिखा गया हो, बाय द पाथ ऑफ एन एरो. उनका लाइफ ऐसा लगता है कि जैसे एक तीर की तरह रही हो, एक तीर की तरह उनका जीवन रहा एकदम सीधा, विच इज इमीडिएटली क्लोज्ड अप एंड लॉस्ट, कि बस जन्मे और मर गए, यानी सीधा सा कि बर्थ ओके एंड डायरेक्ट डेथ मीन्स
ऐसा लगता है मेरे को कि इनकी लाइफ क्या ऐसे चली है क्या, यूं बस चलती गई सीधी सीधी, कुछ नहीं, कोई जिगजैक नहीं आया लाइफ में, ना कोई सुख आया ना कोई दुख आया, बर्थ टू डेथ यानी बिल्कुल सीधी चली हो जैसे इनकी जिंदगी। पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि बस जन्म लिया और मर गए, भाई कुछ नहीं किया क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में, तो एक सटायर सा कर रहे हैं वो। आगे देखिए, अपॉन माई गोइंग इन टू द चर्च आई एंटरटेन माई सेल्फ विद द डिगिंग ऑफ ए ग्रेव, कि जब मैं चर्च में गया तो मैंने अपने आप को एक ग्रेव को खोदने में बिजी कर दिया। ग्रेव थी, एक कब्र थी जो उसको मैं खोदने लगा, एंड साइन एवरी शॉलफुल ऑफ इट दैट वाज थ्रोन अप द फ्रेगमेंट ऑफ अ बोन और सकल इंटरमिक्स्ड विद अ काइंड ऑफ फ्रेश मोल्डरिंग अर्थ। देखिए, ग्रेव आप जानते हैं बरियल प्लेस, शॉल का मतलब होता है टूल जिससे हम डिगिंग करते हैं, यानी उसने कुछ खोदने के लिए अपने हाथ में लिया और जिससे वो खोद रहा था ना उसकी बात कर रहा है, वो फावड़ा कह सकते हैं, फावड़ा जैसे मिट्टी खोदने का काम आता है, तो बोले फावड़ा मैंने मेरे हाथ में लिया और मैं जब खोदने लगा ना तो हर एक, मतलब जैसे ही मैं फावड़ा मिट्टी में डालता तो मेरे उसके फावड़े के अंदर मिट्टी के साथ बोन आ रही थी, तो स्कल भी आ रही थी, यानी खोपड़ी होती है ना वो आ रही थी। उसके साथ साथ देखिए क्या क्या बता रहा है, इंटरमिक्स्ड विद ए काइंड ऑफ फ्रेश मोल्डरिंग अर्थ, कि ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी मिट्टी आ रही है कि जैसे यहाँ पर कुछ अभी अभी दफनाया गया हो, यानी एकदम ताज़ा ताज़ा कुछ यहाँ पर सड़ा हो अभी, दैट सम टाइम और अदर हैड ए प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, कि जैसे यहाँ मिट्टी भी है और कोई मानव का शरीर जो है ना वो भी यहाँ पर अभी मिक्स हुआ है इस मिट्टी के अंदर, यानी कंपोजिशन जो है वो आ रहा था, वो फावड़े की जो मिट्टी है ना, मतलब जैसे फावड़ा है ना, कुछ ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है मेरी लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, तो कुछ मतलब इस टाइप का सा होता है ना, कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे खोदते हैं और यहां से, सॉरी ये इस टाइप से होता है शायद, इस टाइप से आप देख लीजिएगा, मतलब मिट्टी खोदने के काम आता है ये, ठीक है। तो वो कह रहे कि मैं जैसे ही उस मिट्टी को खोद रहा था तो वो जो मिट्टी आ रही थी ना तो उसमें कुछ हड्डियां, स्कल और फ्रेश मोल्डरिंग अर्थ, मतलब ऐसे आ रहा था कि जैसे यहां किसी को दफनाया गया है और इस मिट्टी के साथ में जिसको दफनाया गया ना उसके बॉडी के जो असेंस है वो भी मिल गए हैं, यहाँ पे पार्ट्स जो है वो भी मिल गए हैं। अपॉन दिस, अब देखिए आगे क्या है, अपॉन दिस आई बिगन टू कंसीडर विद माई सेल्फ वट इन्यूमरेबल मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल ले कन्फ्यूज टूगेदर अंडर द पावमेंट ऑफ दैट एंशियंट कैथेड्रल, कि कितने सारे लोग यहाँ पर दफने। इसके बाद मतलब मैंने सोचना शुरू करा कि कितनी अगिनत मतलब लोग हैं यहाँ पे, भीड़ आई हुई है, मतलब ये जो प्राचीन कैथेड्रल का जो फर्श है ना इसमें आपस में मतलब मिक्स होके पड़े हुए हैं, हाउ मेन एंड वीमेन, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, आदमी हैं, औरत हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, प्रीस्ट पुजारी हैं, सोल्जर सैनिक्स हैं, मोंक हैं, वही पुजारी जो होते हैं उनके लिए प्री बैंड्रियर्स, अवर क्रम्बल्ड, मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, सब मिले जुले बैठे हैं यहाँ पर, सब के सब एडिसन सोचने लगते हैं बार बार, पुजारी सैनिक सन्यासी पादरी, मतलब सब कुछ आपस में मिक्स हैं, ये भी पादरी जो होते हैं उनके लिए यूज होता है, ये सब के सब यहाँ पे मिक्स हैं, वर्क क्रम्बल्ड अमंग वन अनदर, कि एक दूसरे से बिना भेदभाव करे एक दूसरे के साथ ब्लेंड हुए पड़े हैं, टुगेदर इन द सेम कॉमन मास, बिल्कुल सेम, हाउ ब्यूटी स्ट्रेंथ यूथ विद ओल्ड एज वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी ले अनडिस्टिंग्विश्ड इन द सेम प्रोमिसेस हीप ऑफ मैटर, कि यहाँ पर देखो आप कि कैसे जैसे चाहे कोई सुंदर हो, कोई पावर वाला हो, कोई यंग हो या फिर कोई बूढ़ा हो, कमजोर हो, कोई विकृत हो, विकृत का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कमी हो, ऐसा कोई हो, मतलब सब एक दूसरे के साथ में यहाँ पे पड़े हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, क्यों, क्योंकि सबको यहाँ दफनाया गया है और दफन हो जाने के बाद में सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब आप समझिए कितनी सुंदर बात कही है कि जिंदगी जब तक है ना तब तक सुंदरता है, कुरूपता है, स्वस्थ है कोई इंसान, कोई बीमार है, किसी का अच्छा सब कुछ चल रहा है, किसी का कुछ बुरा चल रहा है, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना ये जीते जी है, मरने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं और एक जैसे हो जाते हैं, ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, After having thus surveyed this great magazine of mortality, ये क्या है, एक तरह से mortality का ही तो example है ना, कि ये सब कुछ देखने के बाद में मतलब जो death है ना उसके बारे में मैंने क्या देखा, ये देखा कि जैसे death को मैंने एक जगह देख लिया हो, as it were in the lump, I examined it more particularly by the accounts which I found on several of the monuments, ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत सारी समाधियों पर एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख ली हो, है ना, तो कहना क्या चाह रहा है कि एक साथ जैसे मैंने बहुत कुछ देखा हो, सम ऑफ देम वर कवर्ड विद सच एक्स्ट्रावेजेंट एपिटैप, अब ये जो समाधि है ना उसके अंदर ये बता रहे हैं कोई
किसी किसी के अंदर तो बहुत एक्स्ट्रावेजेंट लिखा हुआ है, यानी ये समझो बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। एपिटैप का मतलब, अभी पिछला जो अपना वीडियो रहा है वो एपिटाप ही था, है ना, यानी वर्ड्स जो टॉम स्टोन पर लिखे जाते हैं किसी मर जाने वाले के लिए, दैट इज कॉल्ड एपिटाप। तो दैट इफ इट वर पॉसिबल फॉर द डेड पर्सन, कि इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है कई बार तो, कि अगर डेड पर्सन के लिए पॉसिबल हो ना अगर उसको पढ़ना, उसको समझना, अगर वो समझे तो ही वुड ब्लश, बेचारा शर्म से लाल हो जाएगा कि यार इतनी प्रेज कर दी मेरी। होता है ना, मतलब कोई इंसान जीते जी बहुत बुरा होता है, कहते हैं मतलब हर इंसान में बुराई है, जीते जी हर इंसान बुरा है, लेकिन वही बुरा इंसान जिस दिन मर जाता है ना, तो बुराई करने वाला उसकी बड़ाई कर देगा कि यार अच्छा था इंसान तो मर गया ये तो, विच हिज फ्रेंड हैव बेस्टोड अपॉन हिम, कि जो दोस्त जीते जी बहुत बुराई करते हैं ना वो इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं मरने के बाद में उस डेड पर्सन के लिए, कि अगर वो आकर पढ़े समझे कि क्या लिखा है तो ब्लश करने लगेगा। तो यहाँ सटायर ही कर रहे हैं कि जीते जी कोई किसी का भला नहीं सोचता, जीते जी कोई किसी की तारीफ करके कुछ नहीं है, मरने के बाद में ना हर किसी को भला बता देते हैं, मरने के बाद हर किसी की तारीफ कर देते हैं, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो फिर भी कह देंगे यार अच्छा ही था, नहीं मरना चाहिए था इतनी जल्दी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर अदर सो एक्सेसिवली मॉडेस्ट, है ना, देयर आर सो अदर एक्सेसिवली मॉडेस्ट, इसका मतलब था कुछ तो है ना, मतलब बिल्कुल ज़्यादा एकदम मॉडेस्ट है, एकदम विनम्र जिसे कहते हैं ना वो हैं, दैट दे deliver that the character of the person departed in Greek or Hebrew. Hebrew and Greek जो है ना language है जिसके अंदर मतलब लिखा जाता है, लिपि जिसे कह सकते हो आप, कि कुछ लोगों ने तो इतना modest तरीके से लिखा है कि ग्रीक में लिखा है, हिब्रू में लिखा है, कि हिब्रू और ग्रीक में लिखा है, कि ये मानो by that means are not understood, कि अगर आप समझने लगोगे ना तो 12 महीने लग जाएंगे, यानी आपको समझ में भी नहीं आएगा जल्दी से, ऐसा लिख दिया कि कुछ इतने हैं कि समझे ही नहीं जा सकते उनके बारे में, वो लंबा टाइम लग जाएगा अगर आप समझना चाहोगे तो। आगे देखो क्या कहना चाह रहा है, इन द पोइटिकल क्वार्टर आई फाउंड देयर वर पोइट्स हु हैड नो मोनूमेंट, कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ ऐसी भी कब्र देखी, या कि ये कहिए कि ऐसे भी पोइट देखे जिनको कोई मोनूमेंट नहीं मिला, या कोई ऐसे भी मोनूमेंट देखे जिनके अंदर कोई पोइट नहीं था, यानी अगर पोइट्री की बात की जाए तो कुछ कवियों की कोई समाधि नहीं थी तो कुछ समाधियाँ ऐसी थी जिनको कोई कवि नहीं मिला, यानी कुछ मोनूमेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं था, है ना, और कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आई ऑब्जर्व्ड इंडीड दैट द प्रेजेंट वॉर हैड फिल्ड द चर्च विद मैनी दोज अनइनहैबिटेड मॉन्यूमेंट्स विच हैड बीन इरेक्टेड टू द मेमोरी ऑफ पर्सन हुज बॉडीज वर परहैप्स बरीड इन द प्लेन ऑफ ब्लेहम और द बूजम ऑफ द ओशियन। कि कहना क्या चाहता है, आई ऑब्जर्व्ड इंडीड, कि मैंने वास्तव में देखा कि जो प्रेजेंट में जो युद्ध है ना, प्रेजेंट के अंदर जो इंसान जितने खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, जो मर गए हैं, वो चर्च में यहाँ पर आकर भर दिए गए हैं, और ये मुझे लग रहे हैं कि वो लोग हैं शायद जो ब्लेनहेम के मैदानों में या फिर महासागर में जाकर दफनाए गए थे, यानी उस टाइम की बात की जा रही है, उस टाइम के सरकमस्टांसिस की बात की जा रही है, उस समय जो मतलब लोग मरे थे, किस कुछ युद्ध हुए थे उसकी वजह से मरे थे, कुछ इस तरह की बीमारियां हो गई थी कि जिसमें इंसान जिंदा नहीं बचे थे, तो ये कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चर्च है ना ये भर गया उन लोगों से, शायद वो कहाँ होने चाहिए थे, या तो वो ब्लेनहेम के मैदानों में मरे होंगे, यानी ब्लेनहेम एक जगह है जिसके बारे में बात करें कि ब्लेनहेम के मैदानों में मरे होंगे, यानी बैटल फील्ड के अंदर मरे होंगे जो ब्लेनहेम में हुई थी, या फिर बूजम ऑफ द ओशियन यानी कि समुद्र की गहराई में मरे होंगे, वो सारे के सारे यहाँ लाकर दफना दिए गए। I could not but be very much delighted with several modern epitaphs which are written with great elegance of expression and justness of thought and therefore do human honor to the living as well as to the dead. क्या कहना चाह रहा है, देखिए मैं ये कहता है कि मैं ना बहुत सारे ऐसे मॉडर्न एपिटाफ को देख चुका हूँ और देखकर ना बहुत खुश हुआ, जो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लिखे हुए हैं, उनके अंदर आपको ये दिखेगा कि आप एलिगेंस देखेंगे एक्सप्रेशन की, कितना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, जो इंसान यहाँ मर गया है उसके बारे में बहुत अच्छी सोच जो है वो लिखी गई है, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसको क्या दिया गया हो, ऑनर दिया गया हो, उसको सम्मानित किया गया हो। As a foreigner is very apt to conceive an idea of the ignorance or politeness of a nation from the turn of their public monuments and inscription. कि अगर बात की जाए किसी foreigner की, विदेशी की, तो अक्सर ना किसी भी nation की अगर अज्ञानता की बात की जाए, ignorance की अगर बात की जाए ना, तो monuments पे जो लिखा होता है, public monuments पे जो लिखा होता है उससे पता लगा लेते हैं,
यानी कोई फॉरनर आता है हमारे देश में, इंडिया में समझ लो, कोई फॉरनर आता है और किसी मोनूमेंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, उसे पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, तो जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है ना, उस लैंग्वेज की क्वालिटी से समझ लेते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं, इग्नोरेंट हैं या फिर नॉलेजेबल हैं, यानी बहुत लर्नड हैं। दे शुड बी सबमिटेड टू द पर्सुअल ऑफ मैन ऑफ लर्निंग एंड जीनियस बिफोर दे आर पुट इन एग्जीक्यूशंस। अब देखो, बात करेंगे सर क्लाउड डेस्ली की। सर क्लाउड डेस्ली जो थे ना, वो एक सोल्जर टाइप की पर्सनालिटी थे। अब उनके बारे में बात करने हैं कि उनका मोनूमेंट जब मैंने देखा ना, तो मतलब ये कहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा ना ऑफेंस का मतलब रिस्टेंटमेंट हुआ, यानी मेरे को अच्छा नहीं लगा जब मैंने उनका स्मारक देखा। तो देखो उस पर, उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब इस टाइप की वो पर्सनैलिटी थे, इस टाइप की पर्सनैलिटी थे, और कुछ इस तरीके का सा उनका मोनूमेंट जो है वो बना दिया गया। तो देखो, इस तरह के अटायर में रहने वाले इंसान को इस तरीके से दिखाया गया, तो कह रहे मुझे ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा। इंस्टीड ऑफ द ब्रीव रफ इंग्लिश एडमिरल इंग्लिश एडमिरल ब्रेव रफ इंग्लिश एडमिरल की इंस्टीड ऑफ द ब्रेव रफ इंग्लिश एडमिरल विच वॉज द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर ऑफ दैट प्लेन। कि देखो कितना बहादुर था ये, कितना सख्त हुआ करता था रफ इंग्लिश एडमिरल, यानी कि कितना सख्त हुआ करता था, इसके रूल थे कुछ, इसके रेगुलेशन थे। ये ऐसे बहादुर आदमी को मतलब किस तरीके से दिखा दिया, एकदम करेक्टर ऑफ दैट प्लेन, एकदम सीधा साधा सा इंसान दिखा दिया इसको। इसके अंदर मतलब एक बहादुरी दिखानी चाहिए थी। ही इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज टॉम बाय द फिगर ऑफ ए ब्यू ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग प्रीविंग एंड रिपोजिंग हिमसेल्फ अपॉन वेलवेट क्यूशन अंडर ए कैनोपी ऑफ स्टेट। कि इस तरीके से उसको दिखाया गया कि जैसे एक तंबू के अंदर नीचे मखमली तकिए के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, इस तरीके से। क्या इस तरह से दिखाना मतलब एक सभ्य चीज है, ये कह सकते कि सिविलाइज्ड चीज है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो ऐसे दिखाना चाहिए था ना, एक सैनिक वाले अटायर में, एकदम ऐसे ब्रेव, एकदम एडमिरल टाइप का। तो मुझे कहते हैं ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा। आगे देखो क्या कहना चाह रहा है। द इंस्क्रिप्शन इज आंसरेबल टू द मोनूमेंट फॉर इंस्टीड ऑफ सेलिब्रेटिंग द मैनी रिमार्केबल एक्शंस ही हैड परफॉर्म्ड इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री, इट एक्वेंट्स अस ओनली विद द मैनर ऑफ हिज डेथ इन विच इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रीप एनी ऑनर। ये कह रहा है कि अगर मैं लेख की बात करूँ ना, जो वहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी वही की वही पोजिशन थी कि क्योंकि देश की सेवा में ना उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए थे, उनकी बड़ाई तो करी नहीं, उसकी बजाय उन्होंने सिर्फ मरने के तरीके बता दिए कि किस तरीके से वो मरा था, किस मैनर में वो मरा था, वो उसके ऊपर लिख दिया। अब बताओ, ये चीज़ लिखने का कोई जरूरत ही नहीं थी कि किस तरीके से वो मरा। अब ये चीज़ उन्होंने लिखी तो इससे थोड़े ना हम ये कहेंगे कि उसका सम्मान किया गया है, उसके ऑनर में ये चीज़ लिखी गई है। आगे देखो क्या कहना चाह रहे हैं। द डच whom we are apt to despise for want of genius। कि अगर हम डच की बात करें ना, तो क्या कहेंगे कि डच जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक तरह से बहुत ही appropriate होते हैं want of genius। ये कहो कि आप ये कह सकते हैं कि डच जो है ना, वो उनको हम प्रतिभा की कमी के लिए मानते हैं, कि भाई प्रतिभा की कमी जो है उसके लिए कमी मानते हैं, उनके अंदर खूब अच्छी जीनियस होता है, प्रतिभा खूब होती है। शो एन इन्फिनिटी ग्रेटर टेस्ट ऑफ एंटिक्विटी एंड पोलाइटनेस इन देयर बिल्डिंग्स एंड वर्क्स ऑफ दिस नेचर देन व्हाट वी मीट विद द दोज ऑफ आवर ओन कंट्री। ये कहते हैं कि डच जो होते हैं ना, उनके बारे में अगर हम बात करें, एडिसन कहता है, तो इंग्लिश जो स्मारक होते हैं उनकी तुलना में जो डच स्मारक होते हैं ना, उनको अगर हम ध्यान से देखें तो डच है ना अक्सर क्या करते हैं, कम इमेजिनेशन लगाते हैं। वास्तव में वो अपनी जो जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक मोनूमेंट्स हैं, उनको अधिक तरीके से सजा धजा के दिखाते हैं। कह रहे जब हम डच की बात करते हैं तो उनके अंदर ना जीनियस की बात करें तो जीनियस खूब है उनके अंदर, लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश की बात करेंगे ना, तो इंग्लिश स्मारक की तुलना में डच स्मारक जो होते हैं ना, उनको अगर ध्यान से देखें, ध्यान से रखें, तो डच जो है वो अक्सर कम इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिनेशन जो है ना वो उनके अंदर कम होते हैं, जबकि जीनियस जो है अगर कहा जाए तो वो बहुत होते हैं। द मोनूमेंट्स ऑफ देयर एडमिरल्स की द मोनूमेंट ऑफ देयर एडमिरल्स की उनके जो एडमिरल है ना, उनके स्मारक जो हैं, जो कि लोगों के खर्चे पर बनाए जाते हैं, कि लोग खर्चा करते हैं उनका, उनसे पैसा लेकर बनाए जाते हैं, रिप्रेजेंट देम लाइक देम सेल्व एंड आर एडोर्न विद रोस्ट्रल क्राउन एंड नेवल ऑर्नामेंट्स विद ब्यूटीफुल फेस्टूंस एंड स्योर शॉल शेल्स एंड कोरल। ये लोग क्या करते हैं, सजावट ज़्यादा कर देते हैं, कि पैसा पब्लिक लगाती है और क्या करते हैं, उस मोनूमेंट को बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह पहना के ब्यूटीफुल सा दिखा देते हैं। मतलब ज़्यादा सजाने धजाने में ये जो डच लोग होते हैं वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए इन्होंने ना उसको ऐसा दिखाया, एडमिरल की बात कर रहे हैं, उसको इसलिए दिखाया। बट टू रिटर्न
टू आवर सब्जेक्ट, अगर हम हमारे सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम हमारी बात करें ना अंग्रेजों की, तो आई हैव लेफ्ट द रिपोजिटरी ऑफ आवर इंग्लिश किंग्स फॉर द कंटम्पलेशन ऑफ अनदर डे व्हेन आई शैल फाइंड माई माइंड डिस्पोज्ड फॉर सो सीरियस एंड अम्यूजमेंट. लेकिन हम अगर अपनी बात करें ना कि हम हमारे अंग्रेजी अगर राजाओं की बात करें और उनकी अगर समाधि की बात करें, तो किसी लिए मैंने ऐसे सोच लिया कि अब मैं और किसी दिन बात करूंगा इस चीज़ की, मैं आज इतना सीरियस नहीं हूँ, यानी मेरा मूड जो है इतना गंभीर नहीं है कि मैं आज उनकी बात करूँ, तो किसी और दिन बात करेंगे अगर इंग्लिश राजाओं की बात की जाए तो. अभी तो मैंने सिर्फ डच के बारे में डिस्कस किया है. आई नो दैट एंटरटेनमेंट्स ऑफ दिस नेचर आर एप्ट टू रेज डार्क एंड डिसमल थॉट इन टिमोरस माइंड एंड ग्लूमी इमेजिनेशन, बट फॉर माई ओन पार्ट दो आई एम ऑलवेज सीरियस आई डो नॉट नो वट इट इज़ टू बी मेलंकली. ये कहता है कि मुझे पता है कि इस तरह के जो मनोरंजन होते हैं ना, ये डरपोक दिमागों के अंदर ही उदासी भरते हैं. जो बहुत डरपोक होते हैं ना उनके अंदर ही उदासी भरेंगे, जो उदासी वाली इमेजिनेशन वो भरेंगे. बट फॉर माई ओन पार्ट, लेकिन अगर मेरी बात की जाए ना, तो मेरे में क्या होगा, दो आई एम ऑलवेज सीरियस, कि मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ. आई डू नॉट नो वट इट इज़ टू बी मेलंकली, मैं ये नहीं जानता कि मेलंकली क्या है. एंड कैन देयर फोर टेक ए व्यू ऑफ नेचर इन हर डीप एंड सोलमन सीन विद द सेम प्लेजर एज इन हर मोस्ट गे एंड डिलाइटफुल वंस. मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ कि जो मेरे को सीन दिख जाता है ना, चाहे वो ग्लूमी हो और चाहे वो कैसा हो, अट्रैक्टिव हो, बहुत प्यारा सा हो, उन सब के अंदर ही मैं सेम प्लेजर देख लेता हूँ. यानी मैं तो, मुझे तो सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है. मैं वो नहीं हूँ जैसे डरपोक दिमाग होते हैं, कमज़ोर दिमाग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उदासी वाला कुछ देखेंगे तो उदास हो जाते हैं, उस निराशा के अंदर ही घुस जाते हैं. लेकिन मेरी बात अगर करें तो हमेशा मैं गंभीर रहता हूँ, मुझे शायद उदासी का अनुभव जो है वो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या करता हूँ मैं उसी के अंदर से ना कुछ गंभीर चीज़ें देख लेता हूँ, उसी में आनंद देख लेता हूँ, जैसे कि उसी के अंदर कुछ खुशी है, कुछ अच्छा है, उसको मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ. ठीक है, आगे देखिए. बाय दिस मीन आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ. विद दोस ऑब्जेक्ट विच अदर कंसिडर विद टेरर, कि बाकी लोग जो डर के साथ देखते हैं, यानी यहाँ पर अगर वो आएंगे ग्रेव यार्ड को देखने, तो शायद बाकी के लोग जो है वो डर से भर जाएं. व्हेन आई लुक अपॉन द टॉम्स, लेकिन मैं अगर ग्रेव यार्ड देखने आया हूँ, मैं अगर कब्र देखने आया हूँ, मैं अगर टॉम देखने आया हूँ ना ऑफ द ग्रेट, एवरी इमोशन ऑफ एनवी डाइज इन मी, तो मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर एनवी जो है, ईर्ष्या जो है वो मर जाएगी. व्हेन आई रीड द एपिटाफ, जब मैं एपिटाफ को पढ़ूंगा, ऑफ द ब्यूटीफुल एवरी इनॉर्मिडेट डिजायर डज आउट, तो मेरे अंदर से क्या होगा, मतलब मैं आत्मसुधार कर सकता हूँ, मेरी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी. उसके अलावा जब मैं सुंदर सुंदर एपिटाफ पढ़ूंगा ना, तो मेरी हर तरह की जो कंप्लीट नहीं हुई ना इच्छा, वो समाप्त हो जाएगी. और कह रहा है व्हेन आई मीट विद द ग्रीफ ऑफ पेरेंट्स अपॉन ए टॉम्बस्टोन माई हार्ट मेल्ट विद कंपैशन, कि जब मैं मकबरे पर माँ बाप को दुखी होता हुआ देखूंगा ना, तो मेरा दिल जो है वो दया से पिघल जाएगा. When I see the tomb of the parents themselves, और अगर मैं parents की ही tomb देख लूँगा, तो I consider the vanity of grieving for those whom we must quickly follow. तो मैं ये सोचने लग जाऊँगा कि एक दिन हमारा भी आएगा और हम भी एक दिन ऐसे ही यहाँ पर दफन मिलेंगे. तो मेरा तो ये है, मैं उदास तो होता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से उदासी से नहीं भरता, बल्कि उसके अंदर से मैं कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेता हूँ. When I see kings, कि मैं जब यहाँ पर जो राजा महाराजा उनको लेटे हुए देखता हूँ, those who disposed them, उनके साथ में जिनको उन्होंने अपने पद से हटा दिया था, यानी राजा जो है वो भी वहाँ लेटे हुए हैं, और राजा के वो सैनिक या राजा के वो जो सेवक हैं वो भी वहाँ लेटे हुए हैं, जिनको कभी नौकरी से निकाल दिया गया था. तो मैं सोचता हूँ, when I consider rival wits placed side by side, कि दोनों देखो दुश्मन एक दूसरे के साथ में लेटे हुए हैं, कि राजा के पास में ही राजा का नौकर लेटा हुआ है, यानी मरने के बाद में कौन राजा और कौन रंक. और द होली मैन दैट डिवाइडेड द वर्ल्ड विद देयर कंटेस्ट एंड डिस्प्यूट्स, आई रिफ्लेक्ट विद सोरो एंड एस्टोनिशमेंट ऑन द लिटिल कॉम्पिटिशंस फैक्शंस एंड डिबेट ऑफ मैनकाइंड. तो ये कहता है कि मैं ऐसे देखता हूँ कि जो विद्वान है ना, वो भी वहीं पर ही लेटा हुआ है. तो पवित्र लोग हो, चाहे वो जैसे दुनिया में रहे तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझे, छोटे लोगों के साथ में अपना कॉम्पिटिशन करते रहे, गुटबाजी करते रहे, बहस करते रहे, तो मैं आश्चर्य के साथ देखता हूँ कि आज है ना इंसान एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, चाहे वो ऊंची पोजीशन पे था, नीची पे था, अपने आप को विद्वान मानता था, अपने आप को ऊंची कास्ट का मानता था, सब एक जगह पर ही आज लेटे हुए हैं. व्हेन आई रीड द सेवरल डेट्स ऑफ द टॉम, कि जब मैं अलग अलग डेट्स पढ़ता हूँ ना टॉम पे, ऑफ सम दैट डाइड यस्टरडे, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग तो जैसे कल ही मरे हैं, सम 600 ईयर्स एगो, और कुछ ऐसे हैं जो 600 साल पहले मर चुके हैं. तो मैं क्या सोचता हूँ, दैट ग्रेट डे व्हेन वी शैल ऑल ऑफ अस बी कंटेम्प्रेरीज, तो एक दिन आएगा हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंटेम्प्रेरीज हो जाएंगे, यानी जो कल मर गया वो
और जो 600 साल पहले मर चुका है वो आज दोनों के दोनों यहाँ पर दफन है, और किसी दिन जब मैं मर जाऊँगा तो मैं भी उनका ही साथी हो जाऊँगा एंड मेक आवर अपीयरेंस टुगेदर, कि हम लोग सब एक जैसे दिखाई पढ़ेंगे। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो अपनी हो गई है खत्म, लेकिन अब हम जानेंगे पूरा का पूरा इसकी जो समरी है ना उसको, क्योंकि जो हमने पढ़ा है पूरा एक बार उसको समराइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। समराइज करते हैं तो एक जो थोड़ा सा रह जाता है ना कुछ कहीं पे कंफ्यूजन, वो भी क्लियर हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सेटिंग। एडिसन ने वेस्टमिंस्टर एबे का विजिट किया, वहां वो गया, वो सोच में था उस समय, वहां पर गया, और जब वो वहां पर गया तो वहां का जो एटमॉस्फेयर उसने देखा ना, उससे वो गहरी सोच के अंदर पड़ गया, यानी जीवन और जो मृत्यु है उसके बारे में सोचने लगा। उसके बाद में उसने ऑब्जर्वेशन किया टॉमस्टोन का, तो उसने नोटिस किया कि वहां पर टॉमस्टोन पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो हैं, खाली जन्म के और मरण की डेट ही लिखी हुई है। तो वो कहते हैं कि क्या ये दो फैक्ट ही काफी होते हैं क्या। उसके बाद में उन्होंने मॉर्टेलिटी के बारे में सोच किया, तो वो कहते हैं कि डेथ जो है वो सबके लिए एक जैसी है ना, रिच पुअर सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्रिटिक ऑफ एपिटाफ, अब उसने जो वहाँ पे एपिटाफ लिखे हुए हैं उसके बारे में थोड़ी आलोचना करी कि कुछ तो बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम ऑब्स्क्योर लैंग्वेज है, समझ ही नहीं सकते आप, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने पोइट सेक्शन जो है उसको, उसकी विडंबना करी, आयरनी प्रेजेंट की कि बहुत सारे फेमस पोइट ऐसे हैं जिनके मॉन्यूमेंट्स ही नहीं बने, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। तो इस तरीके से उन्होंने इसको बताया हमें। फिर वॉर मोनूमेंट्स की बात की उन्होंने, वार मोनूमेंट्स की बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ जब वार हुई है उसके बाद में जो ये एबे है ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो भर गया। फिर प्रेज करी है उन्होंने मॉडर्न एपिटाफ की, कि एडिसन अप्रिशिएट करते हैं कि आज जो एपिटाफ लिखे जाते हैं मॉडर्निटी के अंदर उसके अंदर अप्रिशिएट किया जाता है, एलिगेंट जो है लैंग्वेज यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर क्लाउड्सली शॉवल के, जो सर क्लाउड्सली के बारे में लिखा गया है उसके बारे में जो बताया गया, या फिर ये कहिए कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो गलत किया गया है, वो बताया कि वो एक बहुत ब्रेव सैनिक थे और उसको फैशनेबल मैन की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। फिर डेथ्स की इक्वलिटी उन्होंने यहाँ पर बताई है कि चाहे कोई किंग हो, राइवल हो, एनिमी हो, कोई भी हो, सबके सब डेथ में एक साथ जुड़ जाते हैं, जब मर जाते हैं तो एक जगह हो जाते हैं, फिर कंपटीशन नहीं रहता कुछ भी। कंटेम्पलेटिंग जजमेंट डे, वो कहते हैं कि एक जजमेंट डे आएगा जिस दिन हम सब एक जगह मिल जाएंगे, चाहे कोई कल मरा है, चाहे वो 10 दिन पहले मरा है, चाहे 100 साल पहले मरा है, वो सबके सब एक जगह ही मिल जा रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आया प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में क्योंकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।